हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आ रहे हैं कैलेंडर्स पार्ट टू। इससे पहले मैंने कैलेंडर्स के जो हैं वो बेसिक्स और कैलेंडर पार्ट वन जो है वो दो वीडियोस बनाई हैं, तो आप उन वीडियोस को पहले चेक कर लें ताकि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस का जो है वो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल किट्टू के फंडे के नाम से जो चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप इनका जो है वो पीडीएफ लिंक जो है वो भी वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके खुद आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और आप सॉल्यूशन के लिए ये मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फिफ्थ डे ऑफ अ मंथ इज़ ट्यूसडे, व्हाट डेट विल बी थ्री डेज आफ्टर द थर्ड फ्राइडे इन द मंथ। ठीक है, यदि किसी महीने का पाँचवा दिन मतलब 5 तारीख को जो है वो है हमारा ट्यूसडे। ठीक है, अब बोला है कि उसी माह में तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद तारीख क्या होगी। ठीक है, अब तीसरा शुक्रवार तो हमें जो है वह अब शुक्रवार पे जाना है, 5 तारीख को जो है वो ट्यूसडे है। ठीक है, तो ट्यूसडे का कोड है हमारा 2 और फ्राइडे का कोड है हमारा 5। ठीक है, तो 3 दिन का गैप है तो यहाँ पे भी 3 दिन आगे चले जाएंगे तो 8 तारीख आ गई। ठीक है, अब हमारे फ्राइडे को आ गई अगर 8 तारीख। ठीक है, तो अब उसने बोला है कि व्हाट डेट विल बी 3 डेज आफ्टर द थर्ड फ्राइडे। तो ये अब ये अगर 8 तारीख को तो ये फर्स्ट फ्राइडे तो नहीं है क्योंकि इससे पहले 1 तारीख पे आ जाएगा, तो फर्स्ट फ्राइडे ये है, सेकंड फ्राइडे, और ये आ गया हमारा थर्ड फ्राइडे। ये आ गया हमारा थर्ड फ्राइडे। ठीक है, 3 डेज आफ्टर, अब 15 तारीख के बाद 3 दिन फ्राइडे। ठीक है, 3 डेज आफ्टर, उसके 3 दिन बाद, 15 तारीख के बाद 3 दिन कौन से आ गए, सैटरडे संडे और मंडे, इन 3 दिनों के बाद क्या तारीख होगी वेडनेसडे को। ठीक है, फ्राइडे के 3 दिन के बाद, 3 दिन मतलब 15, 16, 17, 18 और 19। ठीक है, फ्राइडे को है हमारी 15। ठीक है, तो इसमें 3 दिन और जोड़ दिए। ठीक है, सैटरडे संडे और मंडे, 3 दिन। ठीक है, 16, 17 और 18, इन दिनों के बाद जो है हमारा, ठीक है, उसके बाद आ गई हमारी 19 तारीख। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जैसे जितनी आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो उतना जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पर आप ये नहीं देखना है कि ये 3 दिन, ऑन थर्ड डे नहीं बोला था, मतलब कि विल बी ऑन थर्ड डे आफ्टर, मतलब ठीक है 3 डेज आफ्टर बोला था। ठीक है, ऑन थर्ड डे नहीं बोला था। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ इट इज़ सैटरडे ऑन January 1, 2000, देन January 1, 2001 वुड हैव बीन, कौन सा दिन होगा 1 जनवरी 2001 को। अब हमने यहाँ पे ये सबसे पहले ईयर देखना है, जब हमें ऐसे डायरेक्ट आ जाए ना क्वेश्चन तो हमने ईयर देखना है हमारा 2000 जो है वो क्या लीप ईयर है, बिकॉज इट इज़ अ सेंचुरी, ये एक शतक है तो हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसे चला गया और ये चला गया, कम्प्लीटली डिविजिबल, इसमें रिमाइंडर आ गया हमारा 0। दैट मीन्स हमारा जो 2000 है वो लीप ईयर है। अब लीप ईयर है तो हमने पढ़ा था कि लीप ईयर हैज़ 2 odd days। ठीक है, इसमें आ गया 2 odd days। ठीक है, तो 2 odd days के बाद वो हमारी सेम डेट आ जाती है। ठीक है, तो सैटरडे सैटरडे को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने 2 दिन के बाद देखना है, सैटरडे के बाद आ गया हमारा मंडे, संडे और मंडे, हमने इसका मंडे कर लेना है। ठीक है, अब आप देखोगे कि कैसे, क्योंकि इसमें थे हमारे लीप ईयर का मतलब हो गया हमारा 52 वीक्स प्लस 2 odd days। ठीक है, अब वेडनेसडे है, अब कंप्लीट, सॉरी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए, पिछले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो हमने बोला कि सैटरडे को हमारी वीक जो है हमारा फ्राइडे को ही ख़त्म हो गया, मतलब कंप्लीट वीक हमारा हो गया। अब आ गया सैटरडे को हमारा सेम डे। ठीक है, उसमें 2 odd days जोड़ने हैं हमने, 2 odd days जोड़ने हैं, तो हमने सैटरडे जोड़ दिया, संडे जोड़ दिया, 2 odd days जोड़े, फिर उसके बाद अगला आ गया हमारा मंडे। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। ठीक है, सॉरी, तो ये आ गया एक तरीका, और दूसरा तरीका मैंने आपको सिंपल सा बताया कि इसमें 2 odd days हैं, तो सैटरडे के बाद संडे जोड़ दो और मंडे सेकंड डे बता देना आपने कौन सा है,
सिंपल मंडे, दो डेज हैं तो दूसरा दिन बता देना है आपने, आपने आगे नहीं जाना है ठीक है, आपने सीधा जाना है अपने मतलब कि सैटरडे को आपके वीक कंप्लीट हो गए तो आपने दो दिन के बाद, तो मतलब दूसरा दिन बताना है, दो दिन के बाद नहीं बताना, आपने ऑन सेकेंड डे बताना है, आप आफ्टर नहीं बताना है ठीक है। चलिए चलते हैं, आपको जो भी तरीका आपको कंफर्टेबल हो ठीक है, आप दो चार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये इसमें बेसिक जो टेक्निक है वो क्या है ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से दोबारा देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इफ़ टू डेज वेडनेसडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 84 डेज। अब वही चीज़ है, 84 डेज है तो 84 को अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो 12 आ गया और ये रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो कंप्लीट वे के तो वेडनेसडे का सेम डे, कोई और डे आया ही नहीं तो हम अगले दिन या उससे अगले दिन की डेट बताएंगे नहीं, तो इसका वेडनेसडे ही सिंपल सा इसका आंसर वेडनेसडे ही आ गया ठीक है। तो ये सिंपली सॉल्व हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, टुडे इज़ मंडे आफ्टर 61 डेज क्या होगा। अगर आज मंडे है ठीक है, तो मंडे है तो 61 डेज मतलब 61 को वापस करो 7 से डिवाइड, तो 5 दिन आगे जाना है आपने ठीक है। तो मंडे के बाद 5 दिन क्या आएगा, मतलब छठा दिन आ गया आपका सैटरडे, क्या आ गया आपका सैटरडे। और अगर इसमें भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, सॉरी सैटरडे है ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको आप 63 डेज ले लो। 63 डेज के बाद क्या आ रहा है आपका, मंडे ही आएगा क्योंकि 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाता है ठीक है। तो 63 को भी आपको आएगा तो 2 दिन आप पीछे चल जाओ, तो संडे से पहले सैटरडे, बस 61 को सैटरडे आ जाएगा आपका ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑन और आफ्टर में नहीं होना है कन्फ्यूज, यहाँ पे लिखा है कि टू डेज मंडे है ना, टू डेज मंडे है तो आफ्टर 61 डेज इट विल बी ठीक है। तो यहाँ पे मंडे को इंक्लूड कर लिया है इन्होंने ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, जनवरी 1st 2000 वाज मंडे, व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन जनवरी 1st 2008। देखिए अब एक ईयर है, 2007 जो है हमारा वो लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 4 से नहीं जाता है, तो इसमें एक ही और डे है तो मंडे के बाद नेक्स्ट डे आ गया हमारा ट्यूसडे। अब 2008 जो लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर बनता है ये फेब की वजह से, तो फेब महीना तो इसमें हमारा जो इस सर्कल में काउंट ही नहीं हुआ, इसका आंसर आ गया हमारा ट्यूसडे। तो बस आज की वीडियो में हमारा इतना ही, तो अगली बार हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे ठीक है। तब तक बने रहिए मेरे चैनल किट्टू के फंडे के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही PDF के लिए और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल किट्टू के फंडे ज्वाइन ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।